सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। आज का वीडियो क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, तो दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के ऊपर। तो क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 केमिस्ट्री, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं। देखिए, आपके लिए हमने एक प्लेलिस्ट पहले ही डिज़ाइन कर रखी है। पहले से ही सारे के सारे वीडियो स्ट्रक्चर वाइज, सिलेबस वाइज अरेंज हैं। 2023 में ही ये चीज़ हमने तैयार कर ली थी। अब आप लोग सोचेंगे कि 2023 का सिलेबस अलग है, 2024 का सिलेबस अलग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग मैच करके देखेंगे सिलेबस को 2023 और 2024 के, तो आप लोग पाएंगे कि सब कुछ सिमिलर ही है, लगभग कुछ भी चेंजेस ज़्यादा नहीं हुआ है। और आपको चेंजेस का पता कब चलेगा? जब आपकी परीक्षा बोध क्वेश्चन बैंक आ जाएगी। लोग परीक्षा बोध की बात करेंगे, अध्ययन की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बैंक होती है, यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन माध्यमिक शिक्षा मंडल का होता है, इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। अब क्वेश्चन बैंक के ऊपर एक अलग से हम वीडियो बना सकते हैं, एक तो हमने बना दिया था वीडियो, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत अलग चला जाएगा हमारा। तो हम लोग फिर से लौट के आते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट के ऊपर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हम लोग बात कर रहे थे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की हमारी सीरीज बनी हुई है, उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि अगर ये सीरीज आप लोग फॉलो कर लेंगे ना, तो आप लोग एमपी बोर्ड के हिसाब से अपने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में आप लोग परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन और क्वेश्चन बैंक जो पिछले साल की थी, उनके हिसाब से अपनी तैयारी पूरी की पूरी गारंटीड कर लेंगे। ओके, और आप लोग सभी जानते होंगे, अगर आप 12th में आ चुके हैं, क्लास 10th में आपने देखा था परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन जो होती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होती अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो सिलेबस भी वैसा ही है। बात करते हैं थोड़ी सी ब्लूप्रिंट की, तो ब्लूप्रिंट अभी ज़्यादा क्लियर एमपी बोर्ड ने नहीं करी है, बहुत जल्द कर देगा, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उसे समझ गए हैं कि ब्लूप्रिंट जो 2023 की थी, उसी बेसिस पर यहाँ पर तैयार करने की इनकी कोशिश थी। ठीक है, सीबीएसई से इंस्पायर्ड है, ये हम लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। ओके, सो आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है, दोनों की दोनों जो प्लेलिस्ट आपको बताई है वहीं आपको फॉलो करनी है। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, रिवीजन कैसे करें, चीज़ों को याद कैसे करें। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी होती है, जहाँ पर अच्छे अच्छे बच्चे डर जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुन के, उसको कैसे फटाफट रिवाइज करें, कैसे उस चीज़ को समझें, उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर कोर्स डिज़ाइन कर रखा है, जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में जो आपका डर होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह से, उनको हमने अलग से मेंशन करके, उनका माइंड मैप बना के, चीट शीट बना के उसको एक्सप्लेन किया है, ताकि आप कम शब्दों में अच्छे से उसे समझ सको। ठीक है, माइंड में अपने बिठा सको। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखा है उस कोर्स में। वहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या फिर क्वेश्चन बैंक, परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन में आए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको हमने वहाँ पर शामिल कर रखा है। तो अगर आप लोग वो कोर्स को पूरा कर लेते हैं ना, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे कवर हो जाएंगे, परीक्षा बोर्ड कवर हो जाएगी, अध्ययन कवर हो जाएगी और क्वेश्चन बैंक कवर हो जाएगी। ठीक है, और उसी कोर्स में हम लोग मॉडिफिकेशन आगे भी करने वाले हैं समय के साथ साथ, जैसे त्रैमासिक परीक्षा भी गवर्नमेंट की होने वाली है, तो उसके क्वेश्चन हम वहाँ पर और एड कर देंगे। वैसे तो हमें पता है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको करवाएंगे वहीं से आने वाले हैं, लेकिन हम वहाँ पर और भी एड कर देंगे। ठीक है, अगर हमें लगा तो ये चीज़ वहाँ पर उस कोर्स में कराई जा रही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उस कोर्स में हैं, तो आप लोग कोर्स को समझ लीजिए किस तरीके से कोर्स होने वाला है। तो उसके लिए हमने दो वीडियोस, डेमो वीडियोस बना रखे हैं। कोर्स की फीस 99 रुपीज़ है, तो आप लोग डेमो वीडियोस को एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ रहेगा। सो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हमने बात कर ली है फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है और आगे की उनकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे भी हम लोग जैसे ही त्रैमासिक परीक्षाएं होगी, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होगी, वहाँ से क्या पैटर्न निकल के आता है, इसके अलावा जो हमारी परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन नई नई वाली आने वाली है, उनकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ज़रूरी है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम के ऊपर भी भैया। तो हिंदी मीडियम के लिए हमने क्वेश्चंस रेडी कर रखे हैं। ओके, सो क्वेश्चन रेडी कर रखे हैं, आप लोग एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप में जाइएगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, वीडियोस अभी हमने हिंदी मीडियम के लिए नहीं बनाई है। ओके, तो समय के साथ साथ हम हिंदी मीडियम के ऊपर भी फोकस करेंगे, लेकिन अभी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही काम चलाइए और अपना सिलेबस,
तैयार करिए, ठीक है। इस तरीके से आपको काम चलाना है हिंदी मीडियम वालों के लिए। सो ये सब कुछ रहेगा। ऐप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हमने इस वीडियो में नहीं बताई है, लेकिन वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सब तो इस वीडियो में बता नहीं सकते। तो आप लोग ऐप को अच्छे से एक्सप्लोर करिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो ये सब कुछ रहेगा। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।